क्लोजिंग ओपन बाय विद स्टॉपर। तो अब हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास अगर एक पाइप है जो ओपन पाइप है, ओपन पाइप का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं कि ये पाइप जो है ये हमारी मेन लाइन से जुड़ी हुई है और इसमें पानी आ रहा है और यहाँ पर हमें फ्यूचर में जो है कोई पाइप जोड़नी है या हमें कोई एंड प्रोडक्ट लगाना है। तो इस समय अभी हमारे यहाँ पर पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम इसको बंद करना चाहते हैं, यानी कि पानी को स्टॉप करना चाहते हैं। तो ये हमारी पाइप है और ये हमारा स्टॉपर है। तो हमने जो पहले भी बात की थी पिछले एक्सरसाइज में कि स्टॉपर में जो है, और अगर आप इसको देखें तो दोनों मेल थ्रेड है। इसके लिए हमें चाहिए पाइप निपल सॉकेट चाहिए। पहले हम इसको, क्योंकि यही इन दोनों के ऊपर, ये पहले यहां पर हम इसको पाइप के ऊपर इसको टाइट करेंगे, फिर इसको यहां से स्टॉपर से इसको बंद कर देंगे, तो हमारा पानी ये बंद हो जाएगा। तो अब हम इसको एग्जांपल में देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जो है सीलिंग लगानी है इस पाइप में। तो हम कौन कौन सी सीलिंग लगा सकते हैं? एक तो हम ये अपनी टेफ्लॉन टेप की सीलिंग लगा सकते हैं। तो हम दोनों सीलिंग लगाएंगे। पहले हम इस साइड में ये अपने जो कॉटन थ्रेड है इसकी सीलिंग लगाते हैं। इसमें जो है आपको ये थ्रेड जो है आपको बार बार ऐसे करके पीछे से लास्ट से शुरू करना है, इस साइड से यहां से, और इसको धीरे धीरे करके आगे आगे आपको थ्रेड को, आपको धागे को आगे लेकर जाना है। और ये जो आपका, इसको आपको पूरा ढक के इसको बाद में आपको तोड़ देना है। अब तोड़ने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इसके ऊपर थ्रेड जो है हमने कॉटन का ये लपेट दिया है। अब इसके ऊपर इसको सीलिंग को, अब हमने इसके ऊपर एडहेसिव लगाना है। एडहेसिव आपका ये व्हाइट जो एडहेसिव है, इसको आप थोड़ा सा लो उंगली में, इसको हल्का सा लगाओ, और ये जो है इसको यहां से हमें पूरा इसको एडहेसिव को इसको पूरा ढक देना है। जो पूरा धागा है ये, इसको एक तरीके से पेंट कर देना है हमें इसको। ये देख सकते हैं आप कि इसको ये पूरा का पूरा पेंट हो गया है और ये पूरा धागा इसमें एक तरीके से पेंट की तरह लग रहा है ये। अब हमें इसको दो चूड़ी यानी कि दो थ्रेड जो है हाथ से इसको चढ़ा के देखना है सॉकेट को। तो ये आपके मिनिमम आपके दो चूड़ी आपके चढ़ जाना चाहिए। ये दो चूड़ी से ऊपर चढ़ गया है। अब इसको जो है हम पाइप सॉकेट से इसको, ये जो आपका रेंच है, पाइप रेंच जो है, इससे हम इसको टाइट कर सकते हैं पाइप रेंच। तो अब ये पाइप और ये पाइप को अब हमें टाइट करना है इससे। तो ये दोनों के दोनों अब हम पाइप रेंच से पकड़ के इसको, इसको पहले हम पाइप में इसको इसको फंसाते हैं यहां पर। अब ये पाइप यहां पे फंस गई है। अब हम ये जो दूसरा पाइप रेंच है इससे इसको हम ऐसे टाइट कर सकते हैं। इसको हमें इसको इस साइड में घुमाना है और इसको इस साइड में, ताकि ये पाइप जो है आपकी हिले नहीं। इस पाइप को हमें रोकना है घूमने से। तो ये हम इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं और अब ये टाइट हो गया। अब हम इसमें स्टॉपर लगाते हैं। तो स्टॉपर में भी अब आप देखेंगे यहां पे मेल थ्रेड है। अब यहां पर हम दूसरा चाहें तो हम इसको कॉटन थ्रेड और एडहेसिव से भी इसकी सीलिंग कर सकते हैं। यहां पर हम इसकी सीलिंग करते हैं टेफ्लॉन टेप से। तो टेफ्लॉन टेप का भी वही काम है जैसे हमें थ्रेड जो हमने कॉटन के थ्रेड में किया था, इसको हमें पूरे थ्रेड को इस टेफ्लॉन टेप से पूरा ढकना है। ये हमने इसको टेफ्लॉन टेप से पूरा ढक दिया है। अब इसको यहां से हम तोड़ सकते हैं।
ये हमने इसको तोड़ दिया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है टेफ्लॉन टेप से इसको पूरा का पूरा ढक दिया है। अब इसके ऊपर भी हम जो है ये लिक्विड जो है एडहेसिव इसको लगा के इसकी सीलिंग कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर सीलिंग कर देता है। तो इस तरह आपको ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है ये एडहेसिव जो है इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, कॉटन के थ्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये इसको प्रॉपरली पूरा आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। तो ये अब हमारा इसमें सीलिंग लग गई है। अब हम जो है इसको यहां पर इसको इसके ऊपर स्क्रू कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये स्क्रू हो रहा है। अब इसको टाइट करने के हमारे पास में कई सारे हमारे पास में टूल्स हैं, जैसे कि ये स्पैनर है, इस स्पैनर से हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं ये ऐसे भी टाइट हो सकता है स्पैनर से, हम इसको फ्लेक्सिबल रेंच इससे भी टाइट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये इससे भी टाइट हो सकता है, और ये पाइप रेंच से भी टाइट हो सकता है, इससे भी टाइट हो सकता है। तो ये आपका है लाइव एग्जांपल। अगर आपको ओपन पाइप, अगर आपको स्टॉपर से बंद करनी है, कल को अगर आपको कभी भी यहां पर कोई और पाइप जोड़नी है तो हम इसको स्टॉपर को दोबारा खोल सकते हैं। अब ये स्टॉपर हमने निकाल दिया। अब हमें यहां पर कोई भी कल को फ्यूचर में अगर कोई पाइप लगानी है या हमें कोई और एंड प्रोडक्ट जैसे कि अगर कोई टैप लगाना है तो हम यहां पे लगा सकते हैं।